जो संसद में आके मरता क्या ऐसे व्यक्ति को हम वोट देंगे। अगर इंडिया गठबंधन वो आता है तो देश को खतरा है, वो पूरे देश को बेच जाएंगे। मोदी का इतना जादू चल रहा है कि अब की बार आ जाने दो, 30 तक भी मोदी आएगा। ये जितनी पार्टियां ना सब अपने अपने परिवार को बढ़ाने में लगी हुई है, मोदी जी के लिए पूरा देश ही है। लग रहा है कि तीसरी बार सरकार आएगी। बिल्कुल 100% मोदी बिल्कुल आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने मैच फिक्स कर लिया था। नहीं नहीं, मोदी जी है ना, उसने देश का गौरव विदेश में बढ़ाया है। और मोदी जी ये सब देखो, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो मोदी जी का फैन है और पूरा देश मोदी जी का फैन है। और मोदी जी ने भी बताया कि जो पहले जो टेलर था, अब पूरा काम करना देश के लिए, विकास के लिए करना है। आपका जी क्या नाम है? आयुष। तो मोदी को जानते हैं? कौन है मोदी? क्या है मोदी? कैसे बढ़िया है ना जी? क्या नाम है? बोलिए। गिरिराज। क्या किया 10 साल में मोदी सरकार? सब कुछ किया है जो करना था। क्या नहीं किया मोदी जी ने? सब कुछ किया, मोदी जी ने। मोदी ने नोखंड मूवी पे शासन किया था भारत ने, और वापस शासन करेंगे नोखंड। कांग्रेस ने काम नहीं किया था? अरे यार भाई कड़े की बात कर रहे, कांग्रेस ने क्या है? 8-10 दशक में नहीं कर सका जो इन्होंने 2 दशक में कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी है ना, मोदी जी तो मुमकिन है सबको। मोदी की गारंटी भरोसा है? अरे पूरा पूरा है, पूरे 25 की 25 यहाँ राजस्थान, पूरी 25 की 25। राजस्थान किसके साथ है? मोदी जी के साथ। क्या राहुल गांधी के नहीं है? उसी का नाम लेता है ना? ना उसका नाम मत ले, राहुल का कांग्रेस का नाम मत लो, ठीक है? उनका तो बिल्कुल नाम मत लो, बस मोदी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान की उसको मर्यादा को पता, राहुल को हिंदुस्तान की मर्यादा को पता नहीं है। जो संसद में आंख मारता है क्या ऐसे व्यक्ति को हम वोट देंगे, उसको चाहेंगे? अरे जो संसद में आंख मारता है क्या देश को क्या कराएगा? मोदी की गारंटी पे भरोसा है? गारंटी नहीं, गारंटी पक्की है। 10 साल में जो किया वो आप लोग सब देखे। कैसा क्या किया 10 साल? सुनो, नौकरी भी खूब मिली है, नौकरी तो आपकी योग्यता से मिलेगी, कंपटीशन का जमाना आपका। अरे नहीं है, कितनी पहले वो सुने, तेरी मेरिट कितनी है बता? मेरिट कई पे कई दौड़ाम पास हो लिया। तू गुजरे क्या? गुजरे क्या? ठाकर से तो 40% है, तू ठाकर 40 सालों का नौकरी मिलेगी, कंपटीशन का जमाना। सुनो अगर 40 साल लगो तो भ्रष्टाचार करो, ये कांग्रेस वाला कर दे पैसा कांग्रेस वाला ने कहे उगो तू पहल कर पहल कर उगो और बैठा था ठेकेदार दी मोदी। अब तो राम राज है या सबका अधिकार है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने मैच फिक्स कर लिया। क्या मैच? खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया। नहीं नहीं, अरे भैया ऐसा है, मैच बावड़ा है। राहुल गांधी पागल है? राहुल गांधी कोई आदमी है क्या? राहुल गांधी तो पागल आदमी है। नहीं नहीं, अरे अगर मैच फिक्स होता तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बनती, वहाँ आदमी क्यों बनी, पंजाब में क्यों बनी? ये इनका हथकंडा है, ये ठगबंधन है। और ये जो निर्दलीय युवा चोपड़ा, ये खाली हो से या चोपड़ा का कोई लेना देना? और गांधी मोदी को हरा पापड़ा जीत। अरे मोदी को नहीं, मोदी 400 आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई सही, गांधी राहुल गांधी पप्पू है वो, मोदी को किसी भी हालत में नहीं हरा। सचिन केवल नरेंद्र मोदी है देश का सर्वमान्य नेता। मोदी जीतेगा मोदी। चोर लोग जेल में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, कोर्ट बड़ा है, कोर्ट में जाए चोर है। दोनों चोर गए जेल में, मोदी दोनों चोर जेल में गए। ओनली मोदी, ओनली मोदी। मोदी जी सच्चे विकास पुरुष है, मोदी जी विकास पुरुष है, मोदी जी विकास पुरुष हैं। इन्होंने काम करके दिखाया धरातल पे। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को मैंने खत्म कर दिया। और वही कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने देश को बेच दिया, बर्बाद। ये सिर्फ चश्मा, ओनली चश्मा। हाँ लग रहा है कि तीसरी बार सरकार आएगी। बिल्कुल 100% मोदी बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी भैया। अब की बार मोदी 400 बार और हिंदू राष्ट्र पक्का घोषित। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार 400 बार और हिंदू राष्ट्र घोषित। फाइलन इसीलिए मोदी को लाना चाहते हैं। अब बार मोदी है ना, पीओ को भी लेके रहेंगे।
क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। थोड़ी मुझे बताइए, मोदी को क्यों लाना चाहते हैं? हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा करे और पाकिस्तान जो अधिकृत पीओके हैं वो वापस ले और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। बोल नरेंद्र मोदी। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग मोदी का साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, देंगे। अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। अब की बार या तीसरी बार? तीसरी बार मोदी सरकार। हर बार चाहिए? हाँ, अब की बार 400 पार। कितनी बार चाहिए मोदी सरकार? तीसरी बार आएगी, तीसरी बार। जब तक मोदी आएंगे, जब तक मोदी जीतेंगे। महागठबंधन घूम रहा है। मोदी ने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाया। सब जीतेगी, 400 पार जीतेगी। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। वो तो देश को लूटा है, वो अपनी अस्मिता, अपनी अस्मिता बचाने के लिए जनता को गुमराह कर करके, और जो चोर बाजारी की है उन्होंने पिछले 70 साल में राज में, उसको बचाने के लिए एक हो रहे हैं। भ्रष्टाचार को जो मोदी जी उजागर कर रहे हैं उसको छुपाने के लिए वो एक हो रहे हैं। इसमें पूरे भारत देश की जनता, पूरे राजस्थान की जनता, जयपुर ग्रामीण की जनता एकजुट होकर के मोदी जी को मजबूत कर रही है और भाजपा को जिता रही है। वही राहुल गांधी कह रहे हैं अगर तीसरी बार भाजपा सरकार आएगी तो देश में आग लग जाएगी। आप देखो, कुछ नहीं होगा, गुमराह कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि अगर राम मंदिर बन गया तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बना, पूरे देश की जनता ने स्वीकारा है, पूरे विदेश में स्वीकारा है। हर घर घर में दीवा जला करके नव वर्ष के रूप में 22 जनवरी को दीपावली मनाई है। कोई आग नहीं लगेगी, देश में शांति बनी रहेगी, देश विकास कर रहा है, बहुत गति से आग हो रहा है। लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। ऐसी करके वो जनता को गुमराह करने के काम कर रहे हैं। गठबंधन आएगा तो लोकतंत्र को खतरा है। इंडिया गठबंधन से लोकतंतर को खतरा है, देश को खतरा है जी। अगर इंडिया गठबंधन जो विदेश, जो ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी, सभी पार्टियां मिलकर के अगर राज अगर बनाने की कोशिश कर रही है, वो आता है तो देश को खतरा है। वो पूरे देश को ही बेच जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने मैच फिक्स कर लिया है। कोई मैच फिक्स नहीं किया, ये जनता का मत है। ये जनता देख रहे हैं आप, हाँ। कितनी जनता जनार्दन मोदी जी के लिए, ये वोट देने के लिए नहीं आती, मोदी जी के लिए जी जान मरने तक के लिए जनता तैयार है। राजस्थान किसके साथ है इस बार? राजस्थान बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, जयपुर ग्रामीण राव साहब के साथ है। जयपुर ग्रामीण मोदी चाहिए। हाँ, मोदी तो है, सब कुछ है। आइए, मोदी सब कुछ है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया ये पूछो, क्या नहीं किया? ये नहीं बने जो 70 साल में हाईवे नहीं बने पूरे देश में। अब ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। मोदी बोल रहे हैं खुद, देश में 70 साल में हाईवे नहीं बने, वो हाईवे बन रहे हैं। जो 70 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, वो पिछले 10 साल में मेडिकल कॉलेज हैं। जो एम्स पहले एक हुआ करता था, आज देश में दर्जनों एम्स हैं। सब बात को छोड़ो, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस के लिए तो अपना, कांग्रेस के लिए तो अपना खुद का परिवार है, उसको चाहते हैं। और मोदी जी, राहुल अपने परिवार को बचाने में लग रहे हैं मात्र। राहुल परिवार से अलावा बाहर नहीं निकल रहे। बोले कांग्रेस वाले आ जाओ सोदी में, रब आगो मोदी में। 5 लाख आई जाए और मोदी है और घर गए जाए कि अब की बार जाए जो टेलरी जो पिक्चर तो बाकी जाए भी। अभी पिक्चर बहुत लंबी होली, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं इनका? पायलट आने से फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पायलट आओ, पायलट आओ, मोदी का करेज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी, हाँ मोदी, मोदी। क्या मोदी का जादू चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है साहब, मोदी का इतना जादू चल रहा है कि अब की बार आ जाने दो, 30 तक भी मोदी आएगा, मोदी आएगा। और हमारे जयपुर कह रहा हूँ हमेशा मोदी रहेगा प्रधानमंत्री, रहना चाहिए, रहना चाहिए। और कांग्रेस और अदर पार्टी है ना जितनी भी है, ये जितनी पार्टी है ना, सब अपने अपने परिवार को बढ़ाने में लगी हुई है। मोदी जी के लिए पूरा देश ही है, उनके लिए परिवार की पूर्ण, कोई भी। लालू तो कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। नहीं, मोदी का पूरा देश परिवार है, मोदी का जितना भी पूरा देश है जो पूरा मोदी का ही परिवार है। उनके लिए तो अपने बाल बच्चे सब है, उनको चाहते हैं वो तो।